नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों की शुकबुगाहट से पहले सियासी मंच बदलने का दौर शुरू हो गया है। ग्वालियर नगर निगम में वार्ड क्रमांक 44 से पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने बुधवार 25 फरवरी को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की उपस्थिति में चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर ग्वालियर दक्षिण से विधायक प्रवीण पाठक और ब्लॉक अध्यक्ष संतोष शर्मा भी मौजूद रहे। चौरसिया जिस बार से पार्षद हैं, वहां देश का इकलौता नाथूराम गौडसे का मंदिर है। ANI के ट्वीट के मुताबिक बाबूलाल 2017 में ग्वालियर में नाथूराम गौडसे की मूर्ति की स्थापना के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। ट्वीट के साथ कांग्रेस ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें बाबूलाल चौरसिया कमलनाथ को गुलदस्ता देते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक समेत अन्य पार्टी नेता भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया आज मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। चौरसिया जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। बता दें कि बाबूलाल चौरसिया की एक तरह से घर वापसी है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए हिंदू महासभा के टिकट पर पार्षदी का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की उम्मीदवार शम्मी शर्मा को हराया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।